A person is traveling on a straight line, moves with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time. Average velocity v is given by. तो सबसे पहले कंडीशन की मैपिंग करते हैं कि जो पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में v1 वेलोसिटी से कुछ टाइम के लिए. तो स्ट्रेट लाइन में एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है, सपोज x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 वेलोसिटी से और t टाइम के लिए, फिर वापस से ट्रेवल करता है v2 वेलोसिटी से और सेम टाइम के लिए. तो सेम टाइम t के लिए v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है. क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. पहले मैंने मान लिया डिस्टेंस x1 चलता है, बाद में मैंने मान लिया डिस्टेंस x2 चल रहा है. x1 और x2 इक्वल नहीं होंगे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है सेम टाइम के लिए. अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जिसको एवरेज वेलोसिटी को v माना है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करिए आप. एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 प्लस x2 वैल्यू पुट कर दी, टोटल टाइम t प्लस t 2t. डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा यहाँ पे v1t. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम v1t. सिमिलरली यहाँ v2t सॉल्व करेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास v1 प्लस v2 अपॉन 2. थैंक यू.